बुढ़ापे में हमसे नहीं चला जाता। ये तो माशाल्लाह जवानों से भी इन्होंने ज्यादा अप्रिशिएट। मैं तो बुढ़ापे में ये भाग के आता हूं। ऐसे क्या ही बात है, रूह अफ़ज़ा की कमी है बस। अच्छा है, आई बिलोंग टू मुल्तान। मैं इस वक्त जी सेवन वालों पर खड़ा हूँ और सेवन स्टार कंपनी के साथ मैं सेवन स्काई कंपनी के साथ मैं आया हूँ। आई रियली वेरी एंजॉय, रियली वेरी मच एंजॉयिंग है। आप भी लोग आए यहाँ देखिए का नज़ारा, सुबहानल्लाह आपके अंदर से निकलेगा। मंजर है लगता है कि बाकी अल्लाह की शान बहुत बढ़िया। ये देखे कि नारायण से हम आए हैं, मैं और मेरी फैमिली और यास्मीन सार के साथ हमने ये जीप के साथ जर्नी किया है। तो यकीन करें इतना इंजॉयबल जर्नी के इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं और इस बारे यहाँ के इलाके के बारे में इन्होंने तारफ कराया है कि बंदा बोर भी नहीं होता और काफ़ी सारी मालूमात इनसे के साथ बताई आ गया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। सेहत दे और उनके चैनल को कामयाब करे, और ये बहुत मेहनती है और कमाल की भी ये खातून है कि इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रही है। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब मुझे बहुत खुशी हुई है कि फर्स्ट टाइम, आप लोग कहते हैं ना कि नहीं बुढ़ापे में हमसे नहीं चला जाता, ये तो माशाल्लाह जवानों से भी इन्होंने ज्यादा अप्रिशिएट। मैं तो बुढ़ापे में ये भाग के आता हूं। ऐसे जवानों से ज्यादा इन्होंने एंजॉय की है, तो इससे बड़ा हौसला मैं कहती हूँ आपके लिए कोई नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ खबरदार बुढ़िए, मैं बुढ़ा ना की। हाँ बिल्कुल जी, उन्होंने मुझे बूढ़ा कह दिया, खुद को जाओ। अब आपका हौसला बढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ बंदे का दिल जवान होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। हाँ अस्सलामु अलैकुम। आप सेवन स्काई टूरिज्म ऑफ पाकिस्तान के साथ हम आई हैं, आपका हमारी कंपनी के बारे में क्या ख्याल है? आपने यहाँ झील सैफुल मलूक देखा, वो कैसा लगा आपको? आपको हमारे साथ सफ़र कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। और आप लोग डरते हैं ना कि नहीं हम सफ़र नहीं कर सकते हैं, आप एक दफ़ा सेवन स्काई टूरिज्म ऑफ पाकिस्तान के साथ चलें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। लॉन्ग हो या शॉर्ट सफ़र हो, लेकिन सफ़र एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा, आप मुद्दतों याद रखेंगे कि कैसा सफ़र रहा और कैसा आप लोगों ने इंजॉय किया। बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला जिंदगी दे आपको, सेहत तंदुरुस्त दे, आप बार बार इधर आए, हमसे मुलाकात भी आपकी हो दोबारा फिर इंशाअल्लाह ताला। मैंने आपको कहा है ना कि दुनिया गोल है, फिर मिलेंगे। और इन्होंने हलीमा का जो ये गेटअप लिया, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह पाक नजरे बस दे दे बेटा, दे दे किस कदर खूबसूरती है, आप ये देख रहे हैं सामने, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। इंशाअल्लाह ताला बाहर के मौसम में आएंगे, लेकिन अभी बर्फ इतना नीचे जा नहीं सकते हैं। मैं बर्फ को उठा के देखूं जरा। हाँ, क्या ही बात, देखिए रूह अफ़ज़ा की कमी है बस। तकरीबन
तकरीबन नारान से यहाँ तक का 40 से 45 मिनट का ये फासला था, और यहाँ पे 1.5 घंटा स्टे की इजाज़त होती है, 3,000 की यहाँ पर जीप आती है। अगर आप लोग आपस में डिवाइड करते हैं, यानी कोई लाहौर से है, कोई फैसलाबाद से है, कोई कहीं से भी है, तो वो 500-500 रुपया ऐड करके और उसको वो बना सकता है, डिवाइड कर सकता है, तो फिर इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो चले आगे चलते हैं, अरतुगरुल की याद ताज़ा की जा रही है, और यह क्या इन्होंने म्यूज़िक बजा दिया, चलते हैं चलते हैं चलते हैं, शाबाश, वाह ज़बरदस्त, क्लैपिंग होनी चाहिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखो अरतुगरुल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। चले जी, हम लोग झील के बिल्कुल करीब करीब हो चुके हुए हैं, और देखें आपको जब मैं कह रही थी ना मेरे साथ आ जाओ, तो आप लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला की शान देखो कि मुझे ग्रुप मिल गया, और यूं मैं उनके साथ आ गई, और बहुत हमने एंजॉय किया। झील सैफुल मलूक के हर तरफ ही नज़ारे ही नज़ारे हैं, ये आप देखें, झील का पानी आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। झील सैफुल मलूक से आपकी मेज़बान यासमीन साहब, सेवन स्काई टूरिज्म ऑफ पाकिस्तान से, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। हम लोग बिल्कुल झील के किनारे पहुँच चुके हैं, ये परियों की झील, चांदनी रातों में सुना है कि यहाँ परियाँ उतरती हैं, लेकिन मैंने झील के किनारे दिन में भी परियां उतरती देखी हैं, और क्या खूबसूरती है यहाँ की, और धूप भी कुछ आँख मचोली से दो चार है, आप देख रहे हैं, हवा भी थोड़ी थोड़ी ठंडक है, जब चारों तरफ बर्फ़ होती है तो फिर इतनी ठंडक नहीं होती है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे एरिया में हों और वहाँ बर्फ़ ना हो, फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो जाती है। बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सामने ये खूबसूरत पहाड़ आप देख रहे हैं कैसे धूप से चमक रहा है, ये सामने मेरा ग्रुप है, इस वक्त उन्होंने कुछ, हम लोग वो ऊंचाई से आए हैं, वो देखें सामने, मैं सोच रही थी कि पता नहीं आया जाएगा कि नहीं आया जाएगा, लेकिन माशाल्लाह यहाँ तक हम पहुँच ही गए। ये एक घोड़ सवारी कर रहा है, हमेशा जिंदा ही रहेगा, बच्चे बच्चे की जुबान पे है अरतुगरुल गाजी, इसको हम ना कभी भी नहीं भूल सकते हैं, इसकी एपिसोड इन खूबसूरत वादियों में गूंजती रहेगी, जिसने भी देखा है वो अरतुगरुल गाजी को कैसे भूल सकते हैं। झील सैफुल मलूक का ये जो सबसे खूबसूरत मंजर है, मैं थोड़ा सा ऊपर आ गई, क्या बात है, क्या इसकी खूबसूरती है, Thank you.
सफ़ेद पोशी में हमने गुजार दी है हयात, सफ़ेद पोशी में हमने गुजार दी है हयात, मगर गुर्बत ने हमें बेसर सामान रखा। सफ़ेद पोशी में हमने गुजार दी है हयात, मगर गुर्बत ने हमें बेसर सामान रखा। सैयद फरकान हैदर का ये खूबसूरत शेर झील सैफ अल मलूक पे मैंने इसको शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि ये झील और ये शेर दोनों ही आपको पसंद है। तुम्हारे हिजर में दम भर हमें करार नहीं, तुम्हारे हिजर में दम भर हमें करार नहीं, वो गम उठाए जिनका कोई शुमार नहीं। हसन डांगरा आपके लिए। मुंबई सेवन स्काई टूरिज्म ऑफ पाकिस्तान आपको एक बार फिर दावत दे रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस खूबसूरत झील को हम देखें, और ये हल्की हल्की आपको नज़र आ रहा होगा कि बर्फ़ बारिश हो, साथ अपनी अपनी मंजिलों लौट जाए। बहुत शुक्रिया।